वेलकम दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 12 पढ़ेंगे। इसमें हम एरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या है एरेनियस थ्योरी? ये है एरेनियस, इन्होंने क्या कहा था इन 1884, ही एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इन्होंने 1884 में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था और उसका नाम रखा नोन एज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, और उस चीज़ का नाम इन्होंने रखा थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, जिसे हम आयोनिक थ्योरी भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए एरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए। पहला, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन आयन्स विज कटायन और अनायन। इलेक्ट्रोलाइट्स आयन्स कंटेन करते हैं जिसको कटायन्स और अनायन्स होता है। नाउ, आयन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आयन्स होते हैं ये आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट द आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक। सॉल्वेंट के प्रेजेंट में अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डाल दिया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयन्स के बीच में वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में। चलिए देखते हैं एरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन को एक्सप्लेन किया है सिंपल वर्ड्स में। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट ए और बी है जो डिसोसिएट होके कटायन और अनायन ए प्लस और बी माइनस देता है। ये आपका ए और बी इलेक्ट्रोलाइट जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, जिसको इस सॉल्वेंट के अंदर डाला जा रहा है यानी डिसॉल्व किया जा रहा है। अभी सॉल्वेंट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये सॉल्वेंट्स वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा हो सकता है। गाइस, इसे आयोनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहा है तो ये आयोनाइजेशन भी कहलाता है। चलिए फिर से देखते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट को लिया, सॉल्वेंट में डाल दिया, मुझे कटायंस और अनायंस मिल गए इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग फिगर। गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को पॉज करके आपको जो भी इंफॉर्मेशन है राइट डाउन कर लें। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझेंगे। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसको हमने आयोनाइज किया तो मुझे आयन्स मिल गए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ए लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो कि मुझे ए प्लस और बी माइनस दे रहा है। ए भी क्या है, NaCl हो सकता है जो कि मुझे Na और प्लस और Cl माइनस देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये K2SO4 जो कि मुझे 2K प्लस और SO42 माइनस देगा। चलिए देखते हैं अब क्या है। ये जो देख रहे हैं आप इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। यही है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हैं आयन्स, इसे कहेंगे कटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये है अनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, एज यू कैन सी इन द फॉलोइंग फिगर। ये है आयंस, गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, इसे नोट डाउन करके ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। जो आयन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मान लीजिए ये मेरा ए और बी है, इनके बीच में सॉलिड स्टेट में
जब सॉल्वेंट नहीं है तब इनके अंदर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्वेंट में डालता हूँ, ये देखिए ये हमारा सॉल्वेंट है, मैंने इसे सॉल्वेंट में डाल दिया, मुझे यहाँ देखिए ए और बी जो मेरे आयन्स है वो डिसोसिएट हो गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। कैसे हुआ ये वीक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की वजह से हुआ ये। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड और आयोनाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा या आयोनाइज होगा सॉल्वेंट के प्रेजेंट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ेंगे जिसको रिप्रेजेंट अल्फा से किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया आपने जिसे आपको डिसॉल्व करना है इन सॉल्वेंट, इन टू द सॉल्वेंट। अब आप टोटल मॉलिक्यूल्स लेके उसको सॉल्वेंट में डालते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं डिसॉल्व होते हैं, तो जो डिसॉल्व हो गए हैं या आयोनाइज हो गए उनको देखते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इन टू द आयन्स इन सॉल्वेंट। ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो डिसोसिएट हो गए हैं सॉल्वेंट के अंदर इन प्रेजेंट ऑफ आयन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा से, तो इसका एक रेशियो बनेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिसोसिएट हो गए हैं आयंस में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल है, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने लिया है और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए हैं उनका रेशियो ले लेना है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। नोट कीजिए, ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट। जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो एक ही जैसा आयोनाइज नहीं होते, वहाँ पे वेरिएशन है, कुछ कम आयोनाइज होते हैं और कुछ ज़्यादा आयोनाइज होते हैं। सम आयोनाइज कम्प्लीटली वाइल सम नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, कुछ पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते। ओके, ये है आपका अल्फा जो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन और फैक्टर। आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करता है कितने नंबर में आपको आयोनाइजेशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम एक दूसरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर आपने NaCl ले लिया है इन प्रेजेंट ऑफ वाटर। अब एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो आयन है वो कंटिन्यूसली रीयूनाइट होगा और इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, ओके, यानी NaCl बनाएगा। इसे कहते हैं कंटिन्यूसली डायनेमिक स्टेट, यानी आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली बिकम अ मॉलिक्यूल्स एंड दोज देयर इज अ स्टेट ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में, लगातार डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनता है। ए भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है यानी न्यूट्रल स्टेट में है, ये डिसोसिएट होके ए प्लस और बी माइनस देता है, यानी ए भी हमारा नॉन आयोनाइज्ड है और ए प्लस बी हमारा आयोनाइज्ड है। ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारे सॉल्यूशन के अंदर चलती रहती है, इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए ये है नॉन आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl, यानी कि ये न्यूट्रल है। ओके, और ये जो आप Na और Cl- देख रहे हैं ये आयोनाइज्ड है,
और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो साइकिल है, इसे कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में या आयंस के बीच में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए इसमें अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन अबो इक्वेशन में एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ के। के इज नथिंग बट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी के इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन मल्टीप्लाई बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन डिवाइड बाय मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनसे आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। के इज आयोनाइज कांस्टेंट, के हमारा आयोनाइज कांस्टेंट है। गाइस कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बताइए, मैं उस पर ज़रूर बनाऊँगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके राइट डाउन करके ले लें। चलिए नोट, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। हाई के वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड लो के वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अगर के की वैल्यू कम है तो वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। गाइस वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमेशा न्यूट्रल इन नेचर होता है, क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होगा यानी चार्ज के साथ होगा तो वो हाईली रिएक्टिव होगा। चलिए द आयंस आर डिस्चार्ज ऑलवेज इन इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि न्यूट्रल था, अब आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन इक्वल मिलेगा, यानी द आयंस आर ऑलवेज डिस्चार्ज इन इक्विवेलेंट अमाउंट नो मैटर व्हाट इज देयर रिलेटिव स्टडी। डिपेंड नहीं करता कि उनकी रिलेटिव स्टडी क्या है, स्पीड क्या है। चलिए देखते हैं। टोटल चार्ज ऑफ वन सेट ऑफ आयन, जैसे जो टोटल चार्ज है एक सेट ऑफ आयन पे वो ऑलवेज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज ऑफ अदर सेट ऑफ आयन, अदर सेट ऑफ आयन के वो इक्वल होगा, यानी नंबर ऑफ कटायन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनायंस, या चार्ज ऑफ कटायन ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ऑफ अनायन। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन स्टडी करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है, और इस कॉलम में आयोनिक चार्ज सेपरेशन है। यहाँ पे मैंने ए बी लिया इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मुझे ए प्लस और बी माइनस दे रहा है। इसका एग्जाम्पल है एन ए सी एल डिसोसिएट इन एन ए प्लस एंड सी एल माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बोथ द आयंस आर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस, दोनों ही आयन के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ कटायन इज इक्वल टू इक्वल अमाउंट ऑफ अनायन, ये दोनों मिलके न्यूट्रल बन जाएंगे। सेकेंड टाइप है ए बी टू, यानी ए टू प्लस एंड टू बी माइनस। इसका एग्जाम्पल है बी ए सी एल टू बी ए टू प्लस एंड टू सी एल माइनस। ये हमें आयंस मिल गए, यानी बी ए टू प्लस, कटायन हमारा टू प्लस है, और टू सी एल माइनस, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जो अनायन है वो डबल है। अनायंस आर डबल दैट ऑफ कटायन, बट ओवरऑल चार्ज आर बैलेंस, लेकिन दोनों के ऊपर का जो चार्ज है वो बैलेंस है। टू प्लस को टू सी एल माइनस बैलेंस कर रहा है। थर्ड टाइप है ए टू बी, जो आपको टू ए और बी टू माइनस देगा। ये इसका एग्जाम्पल है एन ए टू एस ओ फोर, जो आपको टू एन ए प्लस और एस ओ फोर टू माइनस देता है। यहाँ पे कटायन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, डबल है, यानी डबल नंबर ऑफ कटायन, दो बार हमारे पास कटायन है और सिंगल अनायन है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज अनायन के ऊपर डबल है। तो इससे क्या पता चलता है, कटायन आर डबल इन अमाउंट ऑफ चार्ज बट ओवरऑल चार्ज इससे, इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलवेज इन न्यूट्रल स्टेट। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, और वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लें। कटायन चूँकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे कि H+, ये एसिडिक इन नेचर होगा। अनायन जिसके ऊपर नेगेटिव
चार्ज होता है वो एग्जांपल ओएच माइनस या ऑलवेज बेसिक इन नेचर होगा। आयंस एक्ट लाइक मॉलिक्यूल्स टुवर्ड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आयन एक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स की तरफ कब, जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी जब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने लगेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगेगा, और जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। एंड लास्ट वन इज, ये सब मिलके स्टेबलिश द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब मिलके स्टेबलिशिंग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। गाइस इसे नोट डाउन कर लें। अब ऐसे एविडेंस देखेंगे जो फेवर करता है आयनिक थ्योरी को, यानी एविडेंस इन फेवर ऑफ आयनिक थ्योरी। कौन से एविडेंस हैं जो आयनिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? पहला है आयंस प्रेजेंट इन सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स में, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एक्सरे डायफ्रैक्शन शो इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन आयंस। एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडी से पता चला है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आयन कंटेन करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बना लिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे वन एन ए प्लस सराउंडेड बाय सिक्स सी एल माइनस, यानी एक कटायन सोडियम का वो सराउंड होता है सिक्स अनायन ऑफ क्लोरीन से। सिमिलरली एक क्लोरीन अनायन माइनस सराउंडेड बाय सिक्स एन ए प्लस, यानी एक कटायन सिक्स अनायन से सराउंड होता है और एक अनायन सिक्स कटायन से, रेड कटायन सी एल माइनस। सेकेंड एविडेंस है, चलिए गाइस ओम्स लॉ एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। क्या है ओम्स लॉ एप्लीकेबिलिटी? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑबे द ओम्स लॉ। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो ऑबे करता है ओम्स लॉ को, जैसे कि मेटेलिक कंडक्टर ऑबे करता है ओम्स लॉ को। मेटेलिक कंडक्टर ऑल्सो फॉलो द ओम्स लॉ। एग्जाम्पल देखिए, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल अप्लाइड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ई यहाँ पे आपका पोटेंशियल अप्लाइड है, आर रेजिस्टेंस है, एंड आई इज इक्वल टू करंट। इट ओनली प्रोवाइड डायरेक्शन इफेक्ट। ये सिर्फ डायरेक्शन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, यानी जो करंट फ्लो है वो सिर्फ डायरेक्शन देगा फॉर द माइग्रेशन ऑफ आयन। आयन्स को किस डायरेक्शन में माइग्रेट करना है ये हमें करंट डिसाइड करके देगा। इट डज नॉट डिसोसिएट द इलेक्ट्रोलाइट। करंट इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसोसिएट नहीं करता। चलिए गाइस आयोनिक रिएक्शन को देखेंगे। आपका जो AgNO3- है, अगर वो NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो आपको AgCl देगा प्रेसिपिटेट। इसको आयनिक टर्म में लिख लेते हैं, Ag प्लस NO3- Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन है वो आपका आयोनिक क्लोरीन है, AgCl और Na प्लस आपको मिल गया। अगर आपने AgNO3 को, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आपने रिएक्ट कराया CCl4 CHCl3 C2H5Cl के साथ तो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड्स मॉलिकुलर क्लोरीन कंटेन करते हैं और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन मॉलिकुलर क्लोरीन। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल एक्सप्लेन दैट, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड है जिसको आप रिएक्ट कराते हैं 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रांग बेस के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसमें आपको
सॉल्ट और वाटर मिलता है और सम अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व्ड होता है, हीट निकलता है, इसी कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी हीट आया ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हुआ और हीट जनरेट हुई। जैसे आपने H प्लस ले लिया, OH माइनस से रिएक्ट कराया तो आपको H2O वाटर मिलेगा और 13.7 KCl हीट इवॉल्व होगा, इतने अमाउंट में आपका हीट निकलेगा। गाइस इसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। फिफ्थ है जो हमारे एरहनियस थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनके पास गाइस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। इसे समझने के लिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया है जिसमें ए बी को डाल दिया है, ए बी हमारे इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन के अंदर जाके, सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा। ए प्लस और बी माइनस, ये नंबर ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस, ये हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इज मोर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डिसॉल्व। देखिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया था लेकिन उसने दो आयंस दिए, ओके ऐसा आयोनाइजेशन की वजह से होता है। तो ये आता है इन द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, वेंटहॉफ फैक्टर यहाँ पे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए लिया गया है। आई इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई यानी वेंटहॉफ फैक्टर क्या है, आपने क्या एब्जॉर्ब किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, यानी आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन क्या है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। आपको याद रखना है आई की वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होगी। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, इसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कलर ऑफ सॉल्यूशन। कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या कहता है देखते हैं। जो कलर होता है सॉल्यूशन का इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयन, किसी भी सॉल्यूशन का कलर उसके अंदर प्रेजेंट आयन के वजह से डिसाइड होता है। जैसे आपके पास CuSO4 का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो अब ये ब्लू कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द Cu2+ आयन। और अगर आपके पास KMnO4 है तो KMnO4 पर्पल कलर का सॉल्यूशन देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द MnO4- आयन की वजह से। गाइस तो अब तक हमने टोटल 6 प्रॉपर्टीज देखी, आयोनिक प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, ओम्स लॉ एप्लीकेबिलिटी, आयोनिक रिएक्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कलर ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ अरहनियस थ्योरी। अरहनियस थ्योरीज की क्या लिमिटेशन है, फर्स्ट ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज बेस्ड ऑन द अरहनियस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ अरहनियस थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है पर ये एप्लीकेबल नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए। क्यों देखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ फ्यू स्टेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्यू स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट है नहीं, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन हुआ नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अरहनियस थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द प्रेजेंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोस्ट फॉर द आयोनाइजेशन। इसके हिसाब से, अरहनियस थ्योरी के हिसाब से सॉल्वेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है आयोनाइजेशन के लिए, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अरहनियस थ्योरी अज्यूम इन डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी अरहनियस थ्योरी अज्यूम करता है कि इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है आयंस का, बट फेल टू अकाउंट फॉर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मोबिलिटी ऑफ द आयंस। ये इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आयंस के बारे में कहता है लेकिन वो ये बताना फेल हो गया कि कैसे मोबिलिटी मिलती है आयंस को। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें।
ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिस पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके मुझे अपने वैल्यूएबल सजेशंस और ये बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।